Hello friends, we are going to study the packaging of DNA in eukaryotes in this video. और इसमें आज हम बात करेंगे introduction की, histone proteins, non-histone proteins, euchromatins, heterochromatins and then there will be one question for you जिसका answer आपको comment section पे करना है. Welcome to the channel Learn With Me और मैं हूँ शीलू पचौरी. Do you know how long this DNA could be? If all the DNA from the single cell is pulled out and stretched, then it would touch approximately 2 meter in length. और ये 2 meter लंबा DNA इतने छोटे से nucleus के अंदर कैसे fit होगा? जबकि हमको तो पता है कि cells microscopic होते हैं, तो nucleus उनसे भी छोटे होंगे. The answer is quite simple. Just like the way we keep long thread by rolling into the spool using the process of coiling. ऐसे ही डीएनए भी कॉइल होते हैं और छोटे से टाइनी न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाते हैं. रॉगर कॉर्नबर्ग इन 1974 ही रिपोर्टेड दैट द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू आइटम्स. द फर्स्ट वन इज डीएनए एंड द सेकंड इज प्रोटीन. नाउ दीज प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, बेसिक प्रोटीन्स जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स एंड द सेकेंड वन इज एसिडिक प्रोटीन विच इज कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स. Now, let us discuss about the first type of proteins, which are basic histone proteins. In eukaryotes, 5 type ke histone proteins dekhe jaate hain. These are H1, H2A, H2B, H3 and H4. Jisme se H2A, H2B, H3 aur H4 pairs mein present hote hain. पेयर्स में प्रेजेंट होकर ये बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर्स. अब ऑक्टामर्स क्यों कह रहे हैं? ऑक्टा मीन्स 8. अब 8 यूनिट्स इसमें अटैच्ड हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके पीछे एक 8. तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ऑक्टामर. नाउ द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल विल रैप अराउंड दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स और बनेगा एक न्यूक्लियोसोम. आपको याद होगा हमने पहले भी पढ़ा था कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, बट इतना याद रखिएगा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, इसलिए ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं. अराउंड 200 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए हेलिक्स रैप हो जाता है इस एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड और ये जो ओपन एंड्स हैं डीएनए के, इनको प्लग करने का काम करते हैं H1 प्रोटीन. अब H1 प्रोटीन आएगा, इन दोनों को होल्ड कर लेगा. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि H1 प्रोटीन खुद इस न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है. This is a very important question and it has been asked many times in the exam that which histone protein is not a part of the nucleosome. तो आपको बताना होगा H1 nucleosome का part नहीं है और H4, H3, H2B, H2A ये pairs में present होकर histone octomers बनाते हैं जो कि nucleosome का part है. Later, बिडल और टैटम ने रिपोर्ट किया कि जो रिपीटिंग यूनिट है न्यूक्लियोसोम्स की, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जैसे कि किसी मोतियों की माला किसी धागे में पिरोई हुई हो और इसको उन्होंने कहा बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें बीड्स होंगे न्यूक्लियोसोम्स और स्ट्रिंग होगा डीएनए का हेलिक्स. यह क्रोमेटीन और कॉइल होकर बनाएंगे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर इस इमेज में देखिए जो सबसे लूज स्ट्रक्चर था दैट वॉज द डीएनए. डीएनए का हेलिक्स जब ऑक्टोमर के अराउंड रैप होगा तब वो बनाएंगे न्यूक्लियोसोम. दिस न्यूक्लियोसोम विल फर्दर कॉइल टू मेक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर विच इज क्रोमेटोसोम्स. दीज क्रोमेटोसोम्स फर्दर कॉइल टू मेक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर. और ज़्यादा कॉइल होकर ये बनाते हैं फाइबर्स दैट इज अराउंड 30 नैनोमीटर इन डायमीटर. ये फाइबर्स और ज़्यादा कंडेंस होंगे और बनाएंगे क्रोमेटीन. इनका और कंडेंसेशन होगा और जब सेल डिवीजन के टाइम पर जो मेटाफेज स्टेज होती है इसमें ये कंडेंस हो जाएंगे और बनाएंगे क्रोमोसोम्स. सो दिस इज़ हाउ द डीएनए मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल विल कंबाइन एंड कंडेंस टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था.
तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के प्रोटीन्स की, जिसका नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड NHC प्रोटीन्स। एंड दीज प्रोटीन्स आर एसिडिक इन नेचर। लाइक हिस्टोन प्रोटीन्स वर बेसिक, दीज आर एसिडिक इन नेचर। अब इनके दो काम होते हैं, पहला तो पैकेजिंग करना क्रोमेटिन फाइबर्स का एट हायर लेवल, जो कि सुपर कॉइलिंग को और ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड द सेकेंड फंक्शन इज DNA रेप्लिकेशन के टाइम में, जब DNA का रेप्लिकेशन होता है और DNA की एक और कॉपी बनती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब क्रोमोसोम्स में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी हिस्टोन के फॉर्मेशन के लिए कोड कर रहे होंगे, ये उनको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स DNA रेप्लिकेशन के टाइम पर उन क्रोमोसोम्स में उन जीन्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन्स यानी ये वाले जीन्स का, इन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनडायरेक्टली ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इन ऑक्टामर्स को भी बनाने का काम करना है और साथ ही साथ क्रोमेटिन फाइबर्स को और ज़्यादा सुपर कॉइल करने में हेल्प करते हैं और अल्टीमेटली ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। Now these chromatin fibers on the basis of coiling or supercoiling it can be classified under two categories, euchromatins and heterochromatins. Nucleus में chromatin के कुछ region loosely packed होते हैं during the time of coiling and some of the regions are densely packed. आप इस image में देखिए, यहाँ पर densely packed है chromatin और यहाँ पर loosely packed है। इन रीजन्स को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन और डेंसली पैक्ड रीजन्स को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो चलिए अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन्स आर मोर कंडेंस्ड, जैसा कि आप इस इमेज में ही देख रहे हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और कंडेंस्ड है। देन दे आर कॉल्ड साइलेंस्ड जीन्स। अब साइलेंस्ड जीन्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। वेयर एज ऑन द अदर हैंड यूक्रोमेटिन्स आर लेस कंडेंस्ड, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एंड दे हैव हाई एक्सप्रेसिंग पावर और वी कैन से दे आर वेरी एक्टिव। अब एक्टिव कैसे होंगे, यहाँ पर आप देखिए जितने भी ये रीजन्स हैं ये ओपन हैं, इन रीजन्स पर इजीली ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है और ये वाले पार्ट्स प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए फ्री हैं। तो दीज रीजन्स आर ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टेनिंग, स्टेन करने पर ये लाइट कलर के होते हैं और ये डार्क कलर के, जिसकी वजह से क्रोमोसोम पर स्टेनिंग के बाद हमें लाइट और डार्क कलर के बैंड्स मिलेंगे। लाइट बैंड्स रिप्रेजेंट करेंगे यूक्रोमेटिन को और डार्क बैंड शो करते हैं हेट्रोक्रोमेटिन्स को। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नाउ यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन एंड द क्वेश्चन इज This is not a part of the nucleosome and the options are H1, H2A, H2B, H3. Thanks for watching Learn With Me. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। बाय बाय, टेक केयर।